भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जादूज जो है एक ऐसी कंपनी है जो मिनी थिएटर्स बनाते हैं और मुझे मौका मिला इससे जुड़ने के लिए। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं वो लगातार मुझसे ऐसा मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सिनेमा हॉल नहीं है, तो हम फिल्मों के लिए इंतज़ार करते हैं कि जब यूट्यूब पे आएगी 6 महीना बाद हमको देखने को मिलता है, तो हमारे यहाँ कैसे हम देख पाए, ये लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया जादूज का, जिससे हमारे बड़े भैया रवि किशन जी भी जुड़े हुए हैं, तो जब इनका कॉन्सेप्ट हमने समझा कि ये हर तहसील में एक ऐसी थिएटर बनाना चाहते हैं कम जगह में, कम खर्चे में, 10 से 12 लाख रुपए में ये ऐसी थिएटर ये लोग बना के दे रहे हैं, तो हम लोग जुड़ गए और इसकी शुरुआत हो गई। बहुत अच्छा चल रहा है काम, लगातार लोग आ रहे हैं और इसको बना रहे हैं। होता ये था कि पहले बड़े बड़े थिएटर्स होते थे, 1000-1200 सीट होती थी, बड़ा हॉल होता था, तो उसको एसी लगा पाना वो थोड़ा संभव काम नहीं था, पर ये 50 से 100 सीट इसमें होती है और आसानी से इसको एसी थिएटर बना करके और ये लोग दे रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा इंटरटेनमेंट और जिस तरह का सिनेमा लोग खोज रहे थे उस तरह का सिनेमा बन रहा है, पर उस तरह का थिएटर नहीं होता था कि लोग जा करके फैमिली के साथ बैठ के देखें। तो सिर्फ भोजपुरी नहीं, बॉलीवुड की फिल्में या हॉलीवुड की फिल्में, जो भी फिल्म देखना चाहेंगे वो उनको कहीं बहुत दूर शहरों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने गाँव में ही देख पाएंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। निरहुआ जादू जैसे पीछे दिख रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे निरहुआ जादू कितना चलने वाला है, नाम रखने का रीजन क्या था? देखिए शुरुआत तो पहले ही हो गई थी जादू की, और मुझे जब पता चला कि इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है और चाहते हैं लोग कि मैं भी जुड़ूं, तो मैं जुड़ गया और मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है जनता को भी अच्छा लगेगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि अब वो जो है थिएटर में बैठ करके, और मैं खुद देखा हूँ जब मैं सिनेमा हॉल में जाता था तो मैं देखता था कि लोग अपनी शर्ट निकाल के हवा कर रहे हैं और सिनेमा देख रहे हैं, वो देख के मुझे भी बड़ा दुख होता था कि ये क्या है। पर अब जो है निरहुआ एट जादूज में एसी में बैठ के लोग आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के और अच्छे से सिनेमा देखेंगे, ये सोच के ही मुझे अच्छा लग रहा है और जनता को भी अच्छा लग रहा है। 2004 में आपका गाना आया था जो किया नहीं करके दिखाएंगे, वो आपने सिनेमा की शुरुआत से लेकर तो वो करके हमेशा दिखाते कुछ ना कुछ नया। नहीं नहीं, ये मैं नहीं करके दिखाता हूँ, ये समय करके दिखाता है। होता क्या है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर चीज़ बदलती है, तो थिएटर भी बदल रहे हैं, बदलना ही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले लोग मुझसे कहते थे कि सिनेमा अगर सब बंद हो रहे हैं तो अब कैसे सिनेमा चलेगा, तो मैं उनसे कहता था कि ये समय मांग रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े थिएटर हैं जहाँ सुविधा ही नहीं है कि जनता जो है वो अपने घर जैसी सुविधा पाए थिएटर में, आज जब यूपी बिहार में बिजली की समस्या ख़त्म हो चुकी है, 12-12, 14-14 घंटे बिजली रहती है और लोग अपने घर में कूलर में, एसी में, पंखा में बैठ करके और टीवी पे फिल्म देखते हैं, वो ऐसे किसी थिएटर में कैसे सिनेमा देखेंगे जहाँ उनको अपने शर्ट से हवा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो जो थिएटर बहुत जहाँ सुविधाएं नहीं थी वो अगर बंद होने लगे तो एक तरह से वो अच्छा भी हुआ, उसी थिएटर में अब दो दो थिएटर बन जाएंगे, जो थिएटर बहुत बड़े थे अब उसको छोटे छोटे दो सिनेमा घर बन जाएंगे, एसी लग जाएगी और लोग जो है अच्छे से सिनेमा देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्रांति है और ये क्रांति की आवश्यकता थी, और जब जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तो आविष्कार हो ही जाता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बनने वाले और कैसे बनने की प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया बहुत आसान है, 10 से 12 लाख रुपए में ये बनके तैयार हो जाता है
700 से 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए और 2 से 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में बन के तैयार हो जाएगा। टीम जो है वो जाएगी बना के तैयार कर देगी। बस 1000 स्क्वायर फीट अगर ज़मीन है या कमरा है और 10 से 12 लाख रुपए हैं तो आपका अपना थिएटर बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें तेज़ी से लोग आ रहे हैं बनाने के लिए। देवरिया में बन रहा है, बनारस में बन रहा है, सैदपुर में बन रहा है, आजमगढ़ में बन रहा है, तो और बाकी लोग आए हैं जो अभी मुझे लगता है कि और तेज़ी से इस पे काम शुरू होगा। टारगेट हमारा ये है कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार में कम से कम 1000 थिएटर बनाएं ताकि जो लोग थिएटर के वजह से परेशान थे कि हमको 6-6 महीना वेट करना पड़ता है हमारी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ भोजपुरी सिनेमा ही लगेंगे कि और सिर्फ भोजपुरी नहीं, चूँकि ये तहसील स्तर पे है तो मुझे लगता है कि हर तहसील में इतने सारे दर्शक नहीं होते हैं कि आप सिर्फ भोजपुरी को ही चला करके उस सिनेमा हॉल को चला पाए। तो मुझे लगता है कि हर तरह का सिनेमा वहाँ चलेगा, भोजपुरी भी चलेगी, बॉलीवुड की भी फिल्में चलेगी, हॉलीवुड की भी फिल्में चलेगी, दुनिया की जितनी बेहतरीन फिल्में हैं लोग देखना चाहेंगे वो सब उनके अपने गांव में देखने को मिलेगी। इसमें आपको सहयोग किनका मिल रहा है? सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें। जो है सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका सहयोग मिल रहा है और जो जो हमारे तहसील स्तर पर ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं थिएटर बनाने में वो लोग सहयोग कर रहे हैं। और मेन तो वही लोग चाहिए जो सिनेमा हॉल बनाने के लिए तैयार हैं और सामने से हमारे जो जादूस की टीम है वो बनाने के लिए तैयार है। तो बनवाने वाला तैयार, बनाने वाला तैयार, फिर और किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं। निरहुआ रिक्शा वाले से निरहुआ का जो जादू चल रहा है निरहुआ हिंदुस्तान में जैसे अब तक का, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, चूँकि दर्शकों का दिया हुआ नाम, दर्शक ने ये आशीर्वाद रूप में मुझे ये नाम दिया था, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे बहुत फलित हुआ है, आगे भी फलित होता रहेगा। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो प्यार आशीर्वाद जनता ने मुझे दिया है वो हमेशा आशीर्वाद प्यार मिलता रहे और मैं हमेशा जो है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता रहूं और जो जो वो चाहते हैं उसमें जो भी मेरा योगदान हो वो मैं हमेशा देता। भैया बात करें अभी आपकी फिल्म रिलीज हुई है जय, मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक तरह की फिल्में देख देख के लोग उब गए थे, तो लोगों को चाहिए था थोड़ा बदलाव। जय वीरू एक ऐसी फिल्म है जो पूर्ण रूपेण कॉमेडी फिल्म है और उसको देख के लोग खूब मज़े ले रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं और मनोरंजन हो रहा है, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। आने वाली फिल्म लल्लू की लैला भी इसी तरह की फिल्म है, तो हम लोग थोड़ा बदलाव की ओर चल रहे हैं। जिस तरह मल्टीप्लेक्स में फिल्में बन के लगती हैं और मल्टीप्लेक्स की जो ऑडियंस है देखती है, वैसे ही हम भोजपुरी को भी धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ वो जो एक ही ढर्रे पे सिनेमा बन रहा था वैसा ना बने, अच्छा कॉन्सेप्ट हो, अच्छे आर्टिस्ट हों और उस पर अच्छी फिल्म बने जिसको लोग देख करके और उनको लगे कि हमने एक अच्छा सिनेमा देखा, अच्छा मनोरंजन। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।